अब्दुल मन्नान वाहकेंड से, वाहकेंड लावरपिंडी से। मेरे भाई का शादी के 3 माह बाद इंतकाल हो गया। मैं इस वक्त सऊदीया में था। मुझसे वालदैन ने कुछ रकम ली थी कि भाई की शादी के लिए जो जेवर लिया था इसके पैसे बकाया हैं, वो देने हैं, तो मैंने दे दिए। फिर भाई की बेवा से मेरा निकाह हो गया और फिर जो मेरा वलीमा हुआ इसका ख़र्चा भी मैंने बर्दाश्त किया, और मुझे या मेरी बीवी को मेरे वालदैन की तरफ से कोई जेवर नहीं दिया गया। हालांकि मुझसे पहले 5 बहन भाइयों की शादियाँ हुई, इनको वाले साहब की जानिब से हर किसी को 5-5 तोला सोना दिया गया और शादियों के तमाम खर्चे भी वाले साहब ने किए। मैं तो हमेशा इसे समझता रहा कि वालदैन के पास पैसे नहीं हैं, तो इस वजह से उन्होंने मुझ पर कोई ख़र्चा नहीं किया। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि वालदैन बाकी भाइयों की माली मदद करते हैं। बड़े भाई के मकान बनाने में बहुत बड़ी रकम वालदैन ने दी। मैं बेरोज़गार हूँ अभी, क्या मैं वालदैन से अपने हिस्से का 5 तोला सोना या जो रकम मैंने भाई की शादी के लिए दी थी वो मांग सकता हूँ या नहीं? मांग सकते हैं अगर दे दें, ठीक है, नहीं दें तो फिर उनको तंग ना करें। अलबत्त वालदैन ने यह गलत किया। नुमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु से सही हदीस मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मैं ये ग़ुलाम अपने बेटे को गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो आप उस पर गवाह बन जाएं। तो नबी ने फरमाया, क्या दूसरे बेटे को भी ग़ुलाम गिफ्ट में दे रहे हो? तुमने कहा कि नहीं। फरमाया कि मैं जोर यानी जुल्म पे गवाह नहीं बन सकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को जुल्म करार दिया कि एक औलाद में एक के साथ बहुत अच्छा सलूक, दूसरे को आप महरूम कर रहे हैं। तो अगर वालदैन ये बाकी 5-5 तोले दूसरों को दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे, तो ये वालदैन का अमल गलत है, तो वालदैन को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल आप एक दफ़ा उनको ये मसला भी बता दें, मोहब्बत से मुतालबा भी कर लें, दे दें तो ठीक है, नहीं दें तो फिर उनसे लड़ना आपके लिए जायज़ नहीं है, और इस बेस पे उनसे नफ़रत करना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि उनके एहसानात बहरहाल उनकी नाइंसाफ़ियों पर गालिब हैं। यूँ कहना चाहिए, उनकी इंसाफ़ियाँ नाइंसाफ़ियों पर गालिब हैं।